हेलो जी, कैसे हो? और मैं आज ना राजमा बनाने जा रही हूँ। ये बॉईल कर लिया हुआ, ये देखिए, ठीक है। पर मैं इसमें ना जो मसाला डाल रही हूँ वो ये डालूँगी, और बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। ट्राई ज़रूर करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सब्ज़ी मसाला या और सब डाला जाए, सिर्फ इससे भी हमारे राजमे की सब्ज़ी बहुत ही, या दाल कहिए, बहुत ही यमी और टेस्टी होती है। तो बनाती हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? ओके। और हमने कुकर में चढ़ा दिया है, गर्म हो गया। अब इसमें मैं ऑयल डालती हूँ। तेल डाल दिया, और ये हम थोड़ा सा डालते हैं अजवाइन और थोड़ा सा जीरा। और ये आप सभी को पता है कि क्या है, ये मैं हर सब्जी में जरूर डालती हूँ, है ना। और इसके साथ डालूंगी मैं ग्रेवी, लहसुन, टमाटर और प्याज का पेस्ट है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको मैं डाल देती हूँ। ये हमारा अच्छे से, देखिए, जीरा और अजवाइन अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है, मतलब। और इसको हम थोड़ी देर भून लेते हैं। और ये देखिए, मैं सिर्फ यही डालूंगी, और इसके अलावा मैं कोई भी मसाला नहीं डालूंगी, ठीक है। और बहुत ही टेस्टी होता है, जरूर ट्राई करिएगा। और इसके साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी, बस, और कोई भी मसाला मैं नहीं डालूंगी, ठीक है। और बहुत ही अच्छा बनेगा, जरूर बनाइएगा। और ये नमक इसके अकॉर्डिंग, कम ज्यादा आप अपना देखिएगा, ठीक है। और हम इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, भून लेती हूँ, ठीक है ना। और सचिन आप जरूर बनाइएगा फ्रेंड, जरूर, और बहुत जल्दी बन जाएगी, अब बनेगी ना बहुत टेस्टी। इसकी खुशबू ना इतनी अच्छी आती है ना, जरूरी नहीं है कि इससे सिर्फ मैगी ही बनाया जाए, सब्जी में भी हम डालकर बना सकते हैं, और आलू की सब्जी तो और भी टेस्टी होती है। और ये जो गर्म पानी है, मैं फेंकूंगी नहीं इसको, इसी से हम पकाऊंगे, ठीक है। ये रहा, मैं इसको डाल दिया सारा, क्योंकि हमको इसको चावल के साथ खाना है, तो मुझे थोड़ी सी तरी चाहिए, ठीक है ना। और देखिए, हमारा राजमे की दाल बन गई है ना। अब इसको हम दो चार सीटी डाल दूंगी, और हमारे राजमे की दाल तैयार हो जाएगी। और ये हमारा आज का लंच है, चावल और दही, और ये राजमे की दाल। दही में जरूर रोज से रोज दे, जरूर लंच हो या रात में, एक समय जरूर दही में इंक्लूड करती हूँ, ठीक है। अगर खीरा नहीं हो तो आप, इससे भी आपका सही रहेगा, तो आप अपना देखिएगा, दही खीरा जो भी हो, पर गर्मी में जरूर ये सब चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करिएगा, ठीक है। और मैं इसको ढककर कुकर लगा देती हूँ सीटी, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, एंड बाय बाय, टेक केयर।